पहले एक्टिंग में लोहा मनवाया, फिर भोजपुरी फिल्मों में सुपरस्टार बनी। रंगमंच और एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद राजनीति की दहलीज में कदम रखा और यहां भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। बात हो रही है एक्टर और गोरखपुर के सांसद रवि किशन की। रवि किशन 54 साल के हो चुके हैं। यकीनन उनकी जिंदगी में कदम कदम पर संघर्ष है, कई बार कठिनाइयां भी आई होंगी, लेकिन रवि किशन हर उस मुकाम पर पहुंचे जहां उन्होंने पहुंचने की ठानी। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और लगातार दूसरी बार गोरखपुर से सांसदी का टिकट थमाया है। चुनाव के माहौल में जहां वो विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं उन पर आरोप लग रहा है। लेकिन इस चुनावी बेला के दौरान रवि किशन की राह को कठिन बनाने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। एक महिला ने अचानक चुनाव से पहले उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला का नाम है अपर्णा ठाकुर। वो दावा कर रही है कि वो रवि किशन के संघर्ष के दिनों में उनके साथ रही है, दोनों के बीच प्यार हुआ और शादी भी हो गई। इतना ही नहीं, दोनों की एक बेटी भी है। अपर्णा के मुताबिक वो मुंबई में पली बढ़ी है, लखनऊ में पिछले 5-6 महीने से रह रही है। यहाँ आने का मकसद बिजनेस शुरू करना बता रही है। अपर्णा का दावा है कि रवि किशन ही उनकी बेटी शिनोवा के असली पिता हैं। अपर्णा का कहना है कि रवि किशन और उनका रिश्ता साबित करने के लिए उनके पास कई दस्तावेज हैं, जिसमें फोटो, वीडियो, चैट भी शामिल है। अपर्णा खुद को पत्रकार बताती है। रवि किशन से मुलाकात के बाद में अपर्णा ने बताया कि आज से करीब 29 साल पहले यानी कि 1995 में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दोनों पहली बार मिले, यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई, बात दोस्ती तक पहुंची और बाद में शादी हो गई। अपर्णा ने कहा कि बाद में उन्होंने बेटी को जन्म दिया जिसका नाम शिनोवा रखा। अब अपर्णा दावा कर रही है कि बेटी रवि किशन की है। अपर्णा का दावा है कि दोनों की कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई, लेकिन मुलाकात के एक साल बाद परिवार और दोस्तों के सामने मंगलसूत्र पहनाया था। साल 1998 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। जब शिनोवा पैदा हुई थी तो रवि किशन बेहद खुश थे। वो लगातार 10 दिन तक उससे मिलने अस्पताल पहुंची थी। मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, नहीं सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी शादी हुई है किशन से? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाए हैं और मंगलसूत्र भी पहनाए। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। आखिर इतने सालों बाद अचानक रवि किशन के साथ अपने रिश्ते का दावा करने का भी सवाल आया। अपर्णा का आरोप है कि रवि किशन धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे थे। अपर्णा कह रही है कि उनकी बेटी का हक मारा जा रहा है और वो उसका हक दिलाने के लिए आई है। हम लोग घूमते फिरते थे तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है और काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी हैं, वीडियो के। उनके मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ, कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं मुझे, वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट? नहीं। और मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियाँ हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटों के लिए कर रहे हो और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं, आज तक उनसे एक
एक हेल्प नहीं मिली। अपर्णा का कहना है कि 4-5 साल पहले तक भी रवि किशन उन दोनों के संपर्क में थे, वो शिनोवा से भी बातचीत करते थे। अपर्णा के मुताबिक उन्होंने 1 साल पहले ही नोटिस भेजा था, वो बस इतना चाहती है कि रवि किशन अपनी बेटी को अपना ले। अपर्णा ने राजेश सोनी नाम के शख्स से शादी भी की हुई थी, उनसे भी उनका एक बेटा है। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई की रहने वाली अपर्णा ठाकुर ने ये दावा करके सनसनी फैला दी थी। जब बात सामने आ रही है तो रवि किशन का परिवार भी सकते में आ गया है। रवि किशन की पत्नी प्रीति ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में अपर्णा ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपर्णा, उनके पति राजेश सोनी, बेटी शिनोवा, बेटे और एसपी नेता विवेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 120B, 195, 386, 388, 504 और 506 के तहत आरोप लगाए हैं। अपनी शिकायत में प्रीति ने अपर्णा पर संगीन आरोप भी लगाए हैं। प्रीति के मुताबिक अपर्णा से फोन पर उनकी बात हुई थी और अपने संबंध अंडरवर्ल्ड से होने की बात भी कही थी। इतना ही नहीं, रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने ये भी दावा किया है कि अपर्णा ने उन्हें धमकाया था। ये भी कहा था कि रवि किशन को झूठे रेप के केस में फंसा दूंगी। एफआईआर में अपर्णा ठाकुर ने 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का भी जिक्र है। अपर्णा ठाकुर के दावे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। तो वहीं अपर्णा की बेटी शिनोवा की इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। शिनोवा का कहना है कि उनकी माँ जो कह रही है वो बिल्कुल सच है और वो रवि किशन की ही बेटी है। वो चाहती है कि रवि किशन उन्हें अपनी बेटी मान ले। अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो वो डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। शिनोवा का कहना है कि जब वो 15 साल की थी तब उन्हें पता चला कि रवि किशन उनके पिता हैं। वो उसके जन्मदिन पर हमेशा फोन किया करती थी। देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और 1 साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे और प्रोमिसेस करते थे और मैं कैरिड अवे हो जाती थी। अब अपर्णा के दावों की सच्चाई तो वो ही जान सकती है। रवि किशन के करीबी लोगों का मानना है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।